नमस्कार दोस्तों, के ट्रेड के एक और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों नाम आप लोग देख रहे हो, ऊपर में कुछ भी नहीं है। 129 रुपीस का एक स्टॉक आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो कि मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है, जैसा कि आपको पता ही है क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है टाटा स्टील जैसा स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, जैसे टाटा स्टील अपने सेक्टर में लीडिंग है, अपने सेक्टर को लीड करती है, उसी तरीके का एक बेहतरीन फंडामेंटल डिटेल्स होल्ड करने वाला स्टॉक मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और वो भी सिर्फ 129 में, यानी कि एक स्मॉल कैप की कंपनी है जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जो कि आगे चलकर काफी अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये स्टॉक मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और देखते हैं कौन से वो स्टॉक है, मेरा मतलब कौन सा वो स्टॉक है, क्योंकि ये सिंगुलर है नॉट प्लूरल है। स्टॉक का नाम जो है दोस्तों वो है सूरज प्रोडक्ट्स। यहाँ सूरज प्रोडक्ट एक बेहतरीन यहाँ पर फंडामेंटल डिटेल्स होल्ड करने वाली कंपनी है, और इसका जो सेक्टर है दोस्तों वो मेटल का सेक्टर है, और बेसिकली दोस्तों ये पिग आयरन और स्पंज आयरन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काम करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं बड़े बड़े प्लांटेशन और बड़े बड़े टाइप की ये प्लांट्स वगैरह ये डेवलप करती है, लगाती है। तो इसी तरीके की एक कंपनी, आप इसकी वेबसाइट पर आके इसके काम के बारे में और ज्यादा दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हम लोग फिलहाल इसके फंडामेंटल डिटेल्स को चेक करते हैं और इसके सेक्टर्स को भी देखेंगे, और साथ ही साथ इसके टेक्निकल चीजों को भी देखेंगे और कोशिश करेंगे इस पे प्रेडिक्शन करने की कि आने वाले समय में इसके क्या टारगेट होने चाहिए। तो चलिए जल्दी से फंडामेंटल डिटेल्स की तरफ स्विच करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सूरज प्रोडक्ट्स, आपको नाम क्लियर है, और यहाँ पर स्टील, स्पंज आयरन और पिग आयरन का बेसिकली सेक्टर यहाँ पर रखा गया। और अगर आप इसको ब्रॉडली देखें तो ये एक आयरन एंड स्टील की कंपनी आप इसको समझ सकते हैं, जो बड़े बड़े टाइप के रॉड्स और टीएमटी बार्स वगैरह ये सारी चीजें बनाती है, जस्ट लाइक टाटा स्टील एंड अदर मेटल स्टॉक। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों फिल्म स्टार्स की रेटिंग में 4 स्टार्स की ओवरऑल रेटिंग है, जो कि काफी ज्यादा सही है, आपको पहले से ही पता है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज फाइनेंशियल्स, उसमें दोस्तों इसको 4.1 स्टार्स की रेटिंग है आउट ऑफ 5, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त यहाँ पर रेटिंग है। इफिशियंसी भी काफी ज्यादा कमाल की है, ओनरशिप के मामले में भी ठीक ठाक है, और वैल्यूएशन भी आपको सही यहाँ पर पे करने का मौका मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पक्ष में है, तो होपफुली यहाँ पर आपको मे भी यहाँ पर स्टॉक जो है वो अच्छा लग सकता है। चलिए इसके फंडामेंटल डिटेल्स को देखते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप से शुरू करेंगे, और जो हमारा मार्केट कैप है वो दोस्तों 147 करोड़, यानी कि करीबन 148 करोड़ मान के चलते हैं। और मानकर और बात करें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर की, तो देख सकते 1,14,00,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 6.75 है, जो की अंडर 15 है, तो यहाँ पर अंडर वैल्यूड का सिचुएशन मैं आपको मानूंगा। और बात कर ले प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की, तो वो 2 के आसपास चल रहा है, और ये भी क्योंकि 3 से अंदर है तो ये भी अंडर वैल्यू का ही सिचुएशन में मान के चलूंगा। तो ओवरऑल यहाँ पर वैल्यूएशन के मामले में आपको बिल्कुल सही मिल रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए की फेस वैल्यू, बुक वैल्यू करीबन 64 रुपए के करीब है, और करंट मार्केट प्राइस 129.80 रुपए चल रहे हैं। और बात कर ले कैश की, तो कंपनी के पास करीबन 5 करोड़ का कैश है, और प्रमोटर होल्डिंग में करीबन 74% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है। डेट का प्रोपोर्शन 64 करोड़ के आसपास है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर 0.76 के आसपास का यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है। बात कर ले रिटर्न रेशियो की, तो अर्निंग पर शेयर काफी जबरदस्त यहाँ पर करीबन 19 रुपए का अर्निंग पर शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड करीबन 17% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 18% की है, सेल्स ग्रोथ 84% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 70% का है। तो ये दोस्तों ये सारी चीजें ग्रोथ और बाकी सारे रेशियोज मिलकर दोस्तों काफी जबरदस्त स्टॉक यहाँ पर निकल के आ रहा है हमारा सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो कि काफी सही लग रहा है। आपको भी मेरे ख्याल से यहाँ पर सही लग रहा है स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल डिटेल्स दोस्तों काफी ज्यादा जबरदस्त हैं। लेकिन ये सारी फंडामेंटल डिटेल्स दोस्तों बेसिकली बता तो सही रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर क्वार्टर के रिजल्ट और पीएस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी एक बार चेक कर लेनी चाहिए, तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा होगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वार्टर के रिजल्ट से। देख सकते हैं हमारे पास दिसंबर 21 का ही फिलहाल अवेलेबल है, अभी मार्च 22 का हमारे पास नहीं है। तो देख सकते हैं सेप्टेम्बर 21 की बात कर ले तो करीबन 52 करोड़ का नेट सेल्स था, जो की बढ़कर 2 करोड़ करीबन बढ़कर यहाँ पर दिसंबर 21 में करीबन 55 करोड़ के आसपास का नेट सेल्स होने की कोशिश करी। और यहाँ पर बात कर ले नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर ठीक ठाक का इजाफा है, और पैट मार्जिन वो करीबन 12% निकल के आया हमारा लास्ट क्वार्टर में। तो यहाँ पर क्वार्टर बेसिस पर मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं। अगर आप दिसंबर 2020 से भी तुलना करें तो करीबन सेमी सेल्स आपको देखने को मिल रहा है 54.80 करोड़ या 54.81 करोड़ का थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। और बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट का मार्जिन भी सुधरा और नेट प्रॉफिट भी सुधरा हुआ है, तो ये काफी जबरदस्त और सही बात मुझे लग रही है। बात करें दोस्तों इसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस की, तो देख सकते हैं स्ट्रेंथ में काफी सारे पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे, जबकि लिमिटेशन में कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो कि स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन का यहाँ पर रेशियो क्या चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर ले तो एनुअली जो इसका करीबन प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो देख सकते हैं 7 से 8 करोड़ के आसपास का एनुअल यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला लास्ट के 3 सालों का अगर आप एवरेज निकालें तो। और पैट मार्जिन करीबन 4-5% के आसपास की निकल के आ रही है, लेकिन क्वार्टर बेसिस पर अभी जो मार्जिन हमारे सुधरते हुए दिख रहे हैं, जो कि काफी सही बात है। यहाँ पर बात कर ले बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं करीबन 38 करोड़ के आसपास का आपको लॉन्ग टर्म डेट देखने को मिल रहा है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज मात्र नाम मात्र का कुछ भी नहीं है।
और बात कर ले अगर इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट इनके पास कुछ नहीं है, नील बटे सन्नाटा। और बात करें यहाँ पर नॉन करेंट एसेट्स की, तो नॉन करेंट एसेट्स के नाम पर भी थोड़े बहुत चीजें हैं। बेसिकली इन लोगों के पास करेंट एसेट्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेटल के प्रोडक्शन करते रहते हैं, फिर रॉ मटेरियल आते हैं, फिर उसको प्रोडक्ट के रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आपको करेंट एसेट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे कंपेयर देन फिक्स एसेट्स के। तो यहाँ पर ओवरऑल बैलेंस शीट भी मुझे ठीक ठाक ही लग रही है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर डरने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि शेयर कैपिटल देख सकते हैं करीबन 5 साल में यहाँ पर सेम ही है, कुछ भी चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिले हैं। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटल डिटेल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फुलफिल हो गए होंगे, और मेरे ख्याल से काफी सही स्टॉक हमारे हाथ है। अब इसके चार्ट पर चलते हैं और देख लेते हैं कि चार्ट पर क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज निकल रही है, उसके बाद लास्ट में एक डिसीजन ले लेना है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर लेना है या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पर लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड के यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। और आपको ये शेयर बता दूं, खरीदना हो तो आप बीएससी से ही खरीद सकते हैं, एनएससी पर इसकी लिस्टिंग नहीं है। और बात करें यहाँ पर फायर्स की, तो यहाँ पर फायर्स पर इसका चार्ट दिख नहीं रहा था, तो मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर आया हुआ हूँ। और यहाँ पर अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखेंगे तो इसने एक हाई लगाया 157 का, और अगर आप अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 130 के आसपास चल रही है, यानी कि ऊपर से काफी सही यहाँ पर आपको 30 पॉइंट्स के आसपास का करेक्शन देखने को मिला, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पर परसेंटेज वाइज यहाँ पर बात कर ले तो देख सकते हैं परसेंटेज वाइज करीबन इसमें करेक्शन जो है वो 23% के आसपास देखने को मिला। आप स्क्रीन को यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं, करीबन 23% के आसपास का यहाँ पर करेक्शन आपको देखने को मिला है, जो की एक अच्छी बात है यहाँ पर कि आपको सस्ते वैल्यूएशन पर स्टॉक मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ पर बात करें कुछ पैटर्न्स वगैरह की, तो डेली टाइम फ्रेम पर तो ऐसा कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा जिससे कि आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ही, लॉन्ग टर्म के लिए ही यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर फंडामेंटल डिटेल्स सही लग रहे हैं, आपको यहाँ पर रेशियोज पर भरोसा है, तो फिर आप फंडामेंटल डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि मेटल की कंपनी है, एक कोर बिजनेस इसके हाथ में है, तो फिर बहुत ज्यादा यहाँ पर डरने घबराने की बात नहीं है। ऐसा कोई हवा वाला स्टॉक नहीं है, एक कोर बिजनेस है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी बन जाती है। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर सूरज प्रोडक्ट लिमिटेड के आपको फंडामेंटल डिटेल्स अच्छे लगे होंगे या फंडामेंटल डिटेल्स समझ में आए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो होपफुली दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी बिल्कुल प्रेस कर लें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।